अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। तो जो आज रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है होममेड चिकन वेजिटेबल छोटे समोसों की रेसिपी। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करना मत भूलिए। तो आइए चलते हैं किचन में। सबसे पहले मैंने 2 किलो चिकन और 2 किलो आलूओं को बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद मैंने आलूओं को अच्छे से कर लिया है मैश। हमने जो वेजिटेबल यूज करने हैं उसमें शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर और धनिया है। यहाँ पे 1 पाव बंद गोभी और 1 पाव शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट लिया है मैंने। और बॉयल चिकन को कर लेते हैं अब श्रेड। ये अब चलते हैं गाजर को कद्दूकस करने की तरफ। इस तरह से आप गाजर को कद्दूकस भी कर सकते हैं और इसे बारीक बारीक काट भी सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि तमाम इंग्रेडिएंट्स हो चुके हैं तैयार और अब आप इसमें 1 गड्ढी धनिया की बारीक काट लें। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बॉइल्ड मैश पोटैटोज में 2 टेबलस्पून क्यूमन सीड्स, 2 टेबलस्पून सॉल्ट एंड 2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें हमने अपने जो पहले तमाम इंग्रेडिएंट्स तैयार किए थे उसे अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे। जब आप इसकी फिलिंग करें तो हर चीज का टेस्ट बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छा आए। आइए चलते हैं अब फिलिंग की तरफ। समोसा पट्टी को आपने इस तरह से शेप देना है और इसके अंदर आपको फिलिंग ना ही बहुत ज़्यादा करनी है और ना ही बहुत कम। और इसके कॉर्नर्स को बंद करने के लिए आप एक पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के लिए आपको 2 टेबलस्पून वाइट फ्लोर में थोड़ा सा पानी ऐड करके एक बहुत ही बारीक सा पेस्ट बना लेना है और इस तरह से आप इसके कॉर्नर्स पर लगाएंगे और इसके कॉर्नर्स को बंद करेंगे अच्छे से। तो ये छोटे समोसे हो चुके हैं बनके तैयार। तो आइए अब चलते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। मीनवाइल यहाँ पे फ्राइज भी बन रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये दिखा दूँ। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है और अब इसमें मैंने समोसों को कर लिया है फ्राई। टाइम बहुत ही कम था तो इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा सकी कि मैंने इन्हें जब डाला कढ़ाई में। और अब आप देख सकते हैं कि इनकी फ्राइंग कितनी अच्छी हुई है और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी समोसे बन गए हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। ये अब मैं दोबारा इसकी कुछ और समोसों की फ्राइंग कर रही थी। ये देखें, इस तरह से आपको इसे डालना है और आपको इसे लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। देख सकते हैं कि समोसे हो चुके हैं बनके तैयार। यहाँ पे जो मैंने फ्राइज तैयार की हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनी है। वैसे तो हर कोई नॉर्मल घर में फ्राइज बनाता है लेकिन इसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में आप सबके साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।